वेरी वेरी गुड इवनिंग बॉयज, चेक करिए फटाफट से। लास्ट क्लास में ये सवाल हमने डन कर लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो आपका सिलेबस जो है, जो एक फाइनल अकाउंट वाला प्रॉब्लम था तो मैंने पूछा, तो उनका ये कहना था कि सर वो शायद गलती से सिंगल एंट्री बुक में आ गया हो, लेकिन फाइनल अकाउंट सिलेबस का पार्ट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आपका सिलेबस मेरा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, इसके लिए रेगुलर क्लासेस। तो आप सभी बच्चों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रेगुलर सेम टाइम पे क्लास लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कि मैं MWF में इसी टाइम पे आपकी रेगुलर क्लास ले लूँ, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। रीज़न बीइंग, दूसरे दिन कोई और क्लास होती है, इस क्लास को फिर मैं मॉर्निंग में शिफ्ट करूँगा। मॉर्निंग मतलब 11 बजे के आसपास मैं करूँगा, इतनी मॉर्निंग में भी नहीं, 11:30 10 बजे 10 से 11 या फिर इवनिंग में 4 बजे इवनिंग। अब बताइए मुझे टाइमिंग का, बताइए 4 बजे का टाइम देंगे। चलिए कोई बात नहीं, अभी पहले हम फटाफट से क्लास स्टार्ट कर ले और फिर जो भी टाइम सूटेबल होगा ना, मैं तो आप सभी बच्चों को एक ही बात बोलूंगा कि डेडिकेशन के साथ आपके साथ 7 सब्जेक्ट है, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम जो भी आपके, उसको थोड़े टाइम के लिए आप स्टॉप करिए, 7 सब्जेक्ट को पढ़िए। बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 10 ईयर आपके मार्केट में अवेलेबल है, शिवदास का 10 ईयर ले लीजिए, उसमें से आप बड़े इजीली पढ़ सकते हैं सारा। रही बात दूसरी बात, हम बात करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, मिल जाएंगे वो आपको, हिंदी में हो इंग्लिश में हो दोनों अवेलेबल है। थ्योरी वाले सेक्शन के लिए प्रैक्टिकल हम इसमें कर ही रहे हैं, और प्रैक्टिकल में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इतना बाहर से आ जाए, वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, आज हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लास्ट क्लास में कुछ सवाल दिए थे मैंने, उस सवाल को करने के बाद शायद में भी कोई डाउट आया, या तो हम आज ऐसा करते हैं कि पहले आपके सारे डाउट सेशन ले लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या रहेगा कि आपका एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस। मैं तो सोच रहा था न्यू टॉपिक कराऊं, लेकिन अभी डाउट, आपके जितने भी डाउट है कमेंट में फटाफट लिख दीजिए और आप सभी के मैं डाउट अभी सॉर्ट आउट करता हूं। तो डाउट जिन बच्चों के ऑफलाइन वालों के, उनके मैं अभी ले लेता हूं, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं कमेंट में लिख दीजिए डाउट। मैंने क्वेश्चन नंबर या मैं भी कराऊंगा, आप देख लेना।
आप चेक कर लीजिए, ठीक है वॉइस? तो मैं कह रहा था कि आज आज आपका थोड़ा जो ना डाउट फाइनल अकाउंट का जिन बच्चों का रह गया ना, तो सिर्फ आज आज तक का टाइम देना होगा आपको, क्योंकि आज रात तक सारा शॉर्ट आउट हो जाएगा, कल वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है। ओके, एक और सवाल कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी एक और सवाल क्वेश्चन करते हैं, और मैं आप सभी बच्चों से कहूंगा टाइम है नहीं, और इतना कम है शायद आपके भी करके भी वो आगे सर क्वेश्चन 24 बुक का चैप्टर 11। ओके, वॉइस तो आ रही है, अब चेक करिए गौतम, वॉइस तो क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन और भी करवा देता हूं, बच्चों का डाउट आया है। ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जरूर है। मैं ऐसा करता हूँ, पहले ना आपको वर्किंग नोट कर देता हूँ, फिर लेजर में पोस्टिंग कर लेंगे हम। सर ये आपके किताब का ही क्वेश्चन है, बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस क्लियर नहीं है। एक मिनट, नाउ चेक करिए वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन प्रोग्राम ऑनर सब में है, ये चलिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एबीसी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी दैट इज M1 जैन 2018 रुपीज 6 लाख। तो जैन वन कलर दूसरा ले लेते हैं, 1/1/2018 में दैट इज M1, और सर खरीदा ये 6 लाख का। और जितने बच्चे ऑफलाइन है आज रजिस्टर चेक करूँ ना करूँ, अगली क्लास में रजिस्टर चेक करना है आप सभी का, तो वो रजिस्टर जरूर, और जो बच्चे ऑनलाइन भी है व्हाट्सएप पे भेजेंगे, नहीं तो सारा मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर दूंगा आपका। कल ही भेजना है आपने होमवर्क, कैसे भेजना है वो सारा प्रोसीजर आपको कॉल पे समझा दिया जाएगा। ऑन 1 जुलाई 2018 इन एडिशन मेड M2 कॉस्टिंग 190, 1 जुलाई 1/7/2018 को इसने ना M2 खरीद लिया 1,90,000, और उसके ऊपर 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन खर्च किया, स्पेंड कर दिया, तो 10,000, तो दैट इज 2 लाख रुपीज आपका टोटल कॉस्टिंग आ जाता है, यहां तक 2 लाख रुपए। आगे कहता है गॉट डैमेज देयर फॉर ऑक्शन, और कहता है कि 1 अक्टूबर 2019 को द मशीन परचेज जैन 2018, मतलब कहानी बता रहा है आपको इसके बारे में, इसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये डैमेज हो जाता है, और जिसको बेच देते हैं हम कब सर, 1 अक्टूबर 2019 में, 1 अक्टूबर 1/10/2019 में कितने रुपए का बेच देते हैं सर, 3,38,500, ठीक है। तो सर ये इतने का बिक गया, ये इतने का बिक गया, ये रहा,
आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, एंड द सेम डेट न्यू मशीनरी परचेज कॉस्ट 4 लाख रुपए। इसी दिन, इसी दिन का मतलब क्या हुआ सर? इस दिन का मतलब हुआ हमारा 1/10/2019। M3 पे आ चुके हैं और 4 लाख रुपए का, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। कंपनी परचेज अनदर मशीनरी M4 1 अप्रैल 2020। ओके, 1/4/2020 कंपनी ने 1/4/2020 में एक और मशीनरी M4 खरीद लिया। दैट इज कितने का था हमारा सर? 3 लाख रुपए का। यानी 4 मशीनरी है जिसमें से एक तो चला ही गया। आगे कहता है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20 मैनेजमेंट एबीसी लिमिटेड डिसाइडेड द चेंज मेथड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड 10% पर एनएम टू द स्ट्रेट लाइन मेथड प्रोवाइडिंग। कहने का मतलब है भैया, ये जो मैनेजमेंट था स्टार्टिंग से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था, वो भी WDV, लेकिन अब इसने बोला भैया इसको अब हम लेके जाएंगे SLM, और रेट के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब सर रेट क्या रहना है? द टाइम मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फील रिव्यू एंड द रिमेन यूजफुल लाइफ ऑफ सच रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर द रिव्यू कंडक्टेड M2 एंड M3 विल बी प्रोबेबली वर्क फर्दर पीरियड 5 एंड 7 ईयर। और ये माना गया कि M2 और M3 जो है वो कहाँ तक और काम करने वाला है फर्दर? 5 से 7 साल तक, 5 से 7 साल तक रिस्पेक्टिवली। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ यूजफुल लाइफ, आपका बोला गया कि यूजफुल लाइफ का रेजिडुअल वैल्यू है 11,000 और कितने का हमारा 40,000 रिस्पेक्टिवली M2 एंड M3। तो सर हमारा M2 की बात चल रहा है और M3 की बात चल रही है यहाँ पे। वाइल द मशीन नंबर 4 रन 6 ईयर, इसकी लाइफ 6 साल है और नो रेजिडुअल वैल्यू होगा। कंपनी क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर एवरी ईयर। द फॉलोइंग चार्ज ऑफ द एसेट्स अकाउंट मेथड रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इन द बुक्स यू आर रिक्वायर्ड टू नेसेसरी लेजर अकाउंट। नेसेसरी लेजर में यही होगा आपका 18 से 20 तक। तो मुद्दे की बात है सर, इसने इतनी सारी जानकारी दी ना, इसका मतलब पहले का आपको मेथड पता रहा था, और पहले का मेथड क्या था सर? WDV था। सर अगर पहले का मेथड WDV है तो बाद का मेथड क्या है सर? SLM है। अगर बाद का मेथड SLM है तो रेट नहीं दिया, तो इसका मतलब सर अब रेट नहीं दे रखा और इतनी जानकारी दे दी, तो अब हम सेम 10% ना अज्यूम करके आपका दूसरे वाला जो फॉर्मूला लगाया था ना वो यूज करने वाले हैं। कौन से वाला? व्हेन रेट इज नॉट गिवन। SLM में किया था ना, व्हेन रेट इज नॉट गिवन, तो उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये चेंज डिसीजन पता है कब हुआ चेंज? सर डिसीजन जो चेंज हुआ ना वो हुआ 2020 में जाके। तो 2020 में हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन, पहले उससे पहले तो हम WDV लगा लें। तो सर 31 और फाइनेंशियल ईयर कुछ नहीं बताया, तो देखो 18 से 20 है तो यानी 31/12 आएगा, 31/12/2018। और सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, दैट इज हमारा 60,000 रुपीज, और बैलेंस बच गया 5,40,000 रुपये, 5,40,000। और ये जो तारीख आया 1/1/2019, 1/1/2019, अब जो है ना बीच में ही से बेचना पड़ गया, तो हम जैसे ही गए 1/10/2019, यानी ठीक 9 महीने है ना, 9 मंथ का, 9 मंथ का डेप चार्ज करो कितना बनता है, कितने 40,500 रुपये 9 मंथ का। कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं साइड में लिख देता हूँ, 5/40 पे सीधा लगाया हमने 10%, 10/100, और ये 9 महीने का हो गया 9/12, क्योंकि बिक गया बीच में। बैलेंस कितने का बच गया? 4,99,500 का बैलेंस बच गया। अब इसको हम सोल्ड कर देंगे, माइनस कर देंगे बैंक से सोल्ड, तो बैंक से अगर हम इसे सोल्ड करने जाएं तो सोल्ड कितने का होगा सर? 3,38,500 का, सवाल में ही गिवन था ये, तो डिफरेंस जो भी आया वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो लॉस कितने का आ गया? 1,61,000 का लॉस आ गया। तो पहला पार्ट डन, अब दूसरे पार्ट को लेके चलते हैं सर। फिर से आएगा 31/12/2018 और इस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम देखेंगे तो, और 6 महीने का 10% के हिसाब से बनता है सर 10,000। इसके बाद डेट आएगा हमारा 1/1/2019 और माइनस करेंगे तो 190। अब इसके बाद आएगा हमारा 31/12
2019 और 10% के हिसाब से लगने वाला है 19,000, कितने बचेंगे? 1,71,000, 1,71,000। अब इसमें से माइनस होगा फिर से हमारा डेप्रिसिएशन 19 के बाद, हमारा जो ये डेट निकल के आया वो आ गया 1-1-2020, और मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया कि अब SLM लगाएंगे, लेकिन इसने बता भी दिया कि M2 का वैल्यू कितना है। सर यहाँ देखिएगा ना तो ध्यान से, M2 और M3, यानी M2 का रेजिडुअल वैल्यू था 40,000 और M3 का 11,000, M2 का कितना है? तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर का निकालेंगे ना, जब रेट नहीं गिवन है, तो भैया हमारा 1,71,000 का तो एसेट्स है, इसमें से माइनस 11,000 रुपये कर देने वाले हैं जो कि स्क्रैप था। डिवाइड यूजफुल लाइफ, तो पहले मशीनरी का लाइफ आप देखो तो कितने साल है? 5 साल। तो 11,000 माइनस कर दो और 5 साल से, तो कितने डेप आ गए? 32,000। यानी सर अब 32,000 रुपये डेप्रिसिएशन लास्ट वाले साल में 2020 में लगेंगे। यहां तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक बताइए क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट, जितने बच्चे लाइव में? सर पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक थी दीपक, मैंने ध्यान से नहीं देखा, बता देना आप मुझे अभी तक, बताओ किसी को डाउट? क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए अब M3 की बात कर लेते हैं। यहां पे हम एक डाल देते हैं लाइन, जिससे सेपरेट हो जाए हमारा क्वेश्चन, या इसको चलिए M2 पे आ जाते हैं। सर M2 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31/12/2019, दैट इज आपका 31/12 अगर 2019 की बात करेंगे ना, तो 6 महीने का या 3 महीने का? सर 3 महीने का। 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? हाँ 10,000। 10,000 आ गया सर 3 महीने का। कुछ बच्चे पूछेंगे सर कैसे निकाला, तो 10/100, अभी तो WDV चल रहा है, इंटू में 3/12, तो ये बच गया 3,90,000, और ये डेट आ गया 1-1-2020। अब सर यहां से फिर से डेप्रिसिएशन निकालने का सिलसिला चालू होगा वही वाला, तो कॉस्ट कितनी है 390 माइनस में आपका स्क्रैप दे रखा है इसने 40,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तो दूसरे का यूजफुल लाइफ दे रखा था 7, तो कितने का आ गया आंसर? कितने सर? 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। किसी को दिक्कत दूसरे में? अगर एक मशीन जिसको समझ में आ गया ना, तो बाकी लगेगा पे तो हो ही जाएगा ये। अब इसकी बात करते हैं, 2020 में ही खरीदा है तो 2020 को ही कंप्लीट करना है, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ध्यान रखना 9 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और जो मैं ये डेप्रिसिएशन निकालूंगा वो पूरे साल का निकलता है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो फिर सर यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन कितना? जिन बच्चों ने सेल्फ किया होगा ना, यहाँ तो पक्का मिस्टेक कर दिया होगा, क्योंकि एग्जामिनर का की पॉइंट है सर ये, पूरे सवाल का क्या है? की पॉइंट है, यहाँ गलती करवा देगा वो आपसे, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, फटाफट निकालेंगे पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ओके। लेकिन नहीं, 9 महीने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा 9/12, समझ रहे हो बात? सर इसका स्क्रैप बोला क्या होगा? सर 0 होगा। इसका यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में दे रखा था कितना है? 6। तो सर जो ये डेप्रिसिएशन निकल के आए ना 50,000, दैट इज 50,000 रुपीज फॉर 1 ईयर, जबकि आप कितना चार्ज करोगे? 31/12/2020, एग्जामिनर का फेवरेट पॉइंट मान के चलो ये, अगर ऐसा आता है तो बच्चे ही गलती करेंगे। और फिर ना एक सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होते हैं? बच्चे बोलते हैं कितने कटेंगे भाई, तो ये सवाल सबसे मुश्किल सवाल है, कटेंगे कितने वो छोड़ दो, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो सोच लो आप, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता, एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नंबर देने वाला या नहीं देने वाला। आपने मिस्टेक कर दिया, मेन पॉइंट पे मिस्टेक कर दिया, काट के 0 कर देगा, आप कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते उनसे। तो डिवाइडेड बाय इसमें 9/12, तो अब क्या आया? 37,500, तो ये हमारा इसका डेप हो जाएगा। अब बड़े स्ट्रिक्टली देखें ना, तो पोस्टिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं पोस्टिंग भी करके दिखा देता हूं आपको, या पोस्टिंग आप कर लेंगे इसकी? बताइए फटाफट अभी लाइव में जितने बच्चे हैं सर, आप बता दीजिए फटाफट इसकी पोस्टिंग कर पाएंगे तो मैं पोस्टिंग छोड़ देता हूं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाता हूं, या पोस्टिंग बोलेंगे तो मैं कर देता हूं।
बताइए फटाफट। बाकी बच्चे भी जवाब दे दें। अंजलि ने कहा सर कर लेंगे। नो सर, नो सर। बाकी प्रगति, दीपक, पूजा, और जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है ना भैया, पहले डेप्रिसिएशन की बेसिक देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा। बड़ा आसान चैप्टर है, लेकिन जब मैं आसान बोलता हूँ तो इतना आसान भी मत लेना कि करके ना जाओ एग्जाम में। अगला कौन सा क्वेश्चन है बताइए, क्वेश्चन नंबर आप अपने बुक का। अगला क्वेश्चन इन्वेंटरी वाली क्वेश्चन डाल दिया मैंने वीडियो, आप चेक करो जाके, इन्वेंटरी वाली वीडियो आपको मिल जाएगी लाइव सेक्शन में। और आज जो ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है ना, आज रात को मेरा सारा उसे शॉर्ट आउट करना, इन्वेंटरी सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक मिलने वाला है कल से आपको। मतलब आज रात को आपका सारा कंटेंट ठीक हो जाएगा, लाइव क्लास रिकॉर्डेड। चैप्टर नंबर 11 कौन सा है? फाइनल अकाउंट का। अंजलि अभी डाउट नहीं लेंगे, अभी पहले हम डेप्रिसिएशन कर ले, फाइनल अकाउंट के लिए अलग से टाइम निकाल लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलें क्या? इलस्ट्रेशन 30, गौतम ऑनर्स प्रोग्राम। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में कैसे प्रॉफिट आया, ऑनर्स बुक एक्सचेंज ओल्ड मशीन। ओके, बिल्कुल सही बोला आपने, एक्सचेंज ओल्ड मशीन वाला कर लेते हैं। ऑनर्स का क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 30 मैंने देखा, वो अभी दिया नहीं है आपको करने को, वो रिवैल्यूएशन वाला है, तो रिवैल्यूएशन वाला तो अलग से करेंगे गौतम। इलस्ट्रेशन 16 दीपक, आप मुझे व्हाट्सएप पे मार्क करके भेज दो, शायद प्रॉफिट। किसी और बच्चे का इलस्ट्रेशन 16 डाउट है क्या? देखना क्या है गलत, तो अब ठीक हो गया वो। देखते हैं एक बार, रुको। कौन सा 15? चलिए फिर तो करना ही बनता है। पता चल जाएगा अभी बुक में मिस्टेक है, इसको सीधा करना, सीधा करना। ये लिए।
बच्चे कह रहे हैं सर हाँ बिल्कुल अंजलि बता देंगे, बस आज आज का वक्त दो, सब कुछ जितने भी डाउट क्वेरी सब शॉर्ट आउट हो जाएगा आज, क्योंकि एप्लीकेशन का भी कुछ थोड़ा इशू आ गया आज, मतलब कि सारी चीज़ों का समस्या का सोल्यूशन आज मेरे को करना है, चाहे रात को 2 बजे 3 बजे वो नहीं देखना मुझे आज, आप लोगों के डाउट आज मुझे, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं मुझे बहुत टेंशन है आप लोगों की। चलिए एक क्वेश्चन जो आया था जिसका प्रॉफिट काफ़ी बच्चे ऑफलाइन वाले भी बोल रहे हैं कि सर गलत आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए कर ही देते हैं इस क्वेश्चन को, हो जाएगा एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डिमांड आया सर 16 कराइए आप, तो 16 करा देते हैं। हाँ प्रॉफिट गलत बता रहे हैं इसमें बच्चे, हाँ चलिए सर चलिए एक और सवाल डाउट में था, कह रहे हैं बच्चे के सर इसका प्रॉफिट गलत आ रहा है, कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं, पढ़ लेते हैं फटाफट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज मेथड कहते हैं द बुक्स वैल्यू, बुक वैल्यू जहां बुक वैल्यू बोलता है ना हमारे अलर्ट हो जाना चाहिए माइंड, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 1/1/2018, यानी सर 1/1/2018 पुरानी मशीनरी है सर, ये ओल्ड मशीनरी है, और सर पुरानी मशीनरी बुक वैल्यू से पता चल गया कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए का परचेज तो नहीं बोला, और न्यू मशीनरी 10,000 रुपए का परचेज 1/10/2018, यानी सर कुछ दिनों के बाद 1/10/2018 को क्या खरीदा सर इसने, M2 खरीदा, M2 कितने का सर, 10,000 का, कितने का 10,000 का, और आगे कहता है परचेज एंड 20,000 रुपए 1/7/2019 को, अब ओके एक और खरीद लिया 1/7/2019 को सर M3, सर 20,000 का M3, देखो मशीनरी खरीदते जा रहे हैं, 1/4/2020 को मशीनरी हुज बुक वैल्यू 30,000 रुपए ऑन 1/1/2018, यानी सर इसके दो हिस्से होंगे, इसके दो हिस्से होंगे, इसके अंदर की बात कर रहा है ये, इसमें से एक हिस्सा जो जुड़ा हुआ है सर कितने रुपए का, कहता है कि डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज, सॉरी मशीन हुज बुक वैल्यू 30,000 ऑन 1/1/18 सोल्ड 16,000, यानी सर 1/4/2020 में इसको बेच दिया गया, यानी सर इसमें से कितनी पार्ट अलग कर ले सर, 30,000 को अलग कर ले, और इधर कितना आ गया सर 1/70, ये वाला हिस्सा बिकने वाला है, ध्यान रखिए ये वाला हिस्सा बिकने वाला है और ये वाला नहीं बिकेगा, तो सर ये वाला हिस्सा कितने का बेच दोगे आप, तो ये वाला हिस्सा मैं बड़ा सस्ता बेच रहा हूँ, और कितने का बेच रहा हूँ
16,000 रुपए का बेच दूंगा। सर किस तारीख को बेचोगे? 1/4/20 को, 1/4/20 को, यानी 1/4/20 जैसे आएगा इसको हम बेच के रफा दफा करेंगे। आगे कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम सिंस 2018 ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो भैया स्ट्रेट लाइन मेथड, जहां स्ट्रेट लाइन मेथड होता है थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि भैया आसान है अब। इट वॉज डिसाइड 2020 डेप्रिसिएशन 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड शुड बी चेंज विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो सर प्रोस्पेक्टिव ही होता है, अब तो रिट्रोस्पेक्टिव बचा नहीं। ऑन द ओकेशन ऑफ चेंज द मेथड, सॉरी ऑन द ओकेशन ऑफ चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन मैनेजमेंट फील टू नीड टू बी रिव्यू यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, डिसाइड चार्ज डेप्रिसिएशन आपका प्रोस्पेक्टिवली, सो द प्लांट एंड मशीनरी इस डेट का निकालना है। तो भैया बाद वाली जो बातें करी ना वो मैनेजमेंट की मन की बात बता रहा है, तो हमें उसकी मन की बात की क्या करेंगे, हमें तो क्वेश्चन करना है। तो फटाफट से देखिए, ये वाला मशीनरी बिक गया और कोई मशीनरी नहीं बिका, यानी डेप्रिसिएशन लगेगा सर। अब ईयर क्या 31/12, तो यानी 31/12/2018 रेट पहले क्या लग रहा था सर? 10%। 20 में चेंजेस किया इसने, 10% SLM, बहुत आसान सवाल, 27,000, 10%, एक नहीं, हाँ ये मैंने ज्यादा लिख दिया, 3,000 होगा ना। अब 1/1/2019 ये वैल्यू आ गया, 1/1/2019 को ये वैल्यू आ गया हमारा, ये जो वैल्यू है वो है 1/1/2019 को। फिर से आएगा 31/12/2019, कितने का डेप सर? फिर से 3,000, बच गया हमारा 24,000, और ये आएगा 1/1/2020, और बेचा कब है? 1/4/4 महीने का डेप्रिसिएशन, तो 3 महीने का, तो 1/4/2020 तक का डेप्रिसिएशन सर कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे चेंज हो चुका है मेथड, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या करा है, चेंज कर दिया है। अब ध्यान, अब मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, सुन लो आप जो भी बच्चे हैं, जो भी इधर उधर ध्यान भटका रहे हैं, अब ध्यान रखना। अब डिसीजन जो भी लिया जाता है भले ही साल के शुरू में लिया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंट साल के लास्ट में होता है, इस बात का ध्यान रखना। इम्प्लीमेंट कब होता है? साल के लास्ट में। यानी सर मैनेजमेंट ने इस दिन फैसला किया कि हम डेप्रिसिएशन बदलेंगे, तो सारे एसेट्स तो आपका इस दिन एंड में इकट्ठा होगा ना, तो डेप्रिसिएशन तो इस टाइम लगाना चालू करेंगे। इन केस कोई भी मशीनरी यहां बिक जाता है, अगर कोई मशीनरी यहां बिक जाता है तो उसको क्या करना है? हमें डेप्रिसिएशन तो लगाना है, लेकिन कौन सा मेथड लगाएंगे यहां पे? WDV या SLM? बताइए WDV के SLM। मेरी बात ध्यान रखिएगा, आपने फैसला लिया कि इस साल हम डेप्रिसिएशन चेंज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन चेंज कब होगा आपका? इस डेट पे। एक चीज और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा पॉइंट को, मैं क्या ऐड कर रहा हूं, इन केस कोई भी एसेट्स अगर साल के बीच में बिकता है तो उस पे चेंज मेथड अप्लाई नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई भी एसेट्स साल के बीच में बिक जाएगा तो उस पे चेंज मेथड अप्लाई, क्योंकि सर आप, हमारा अकाउंटेंट इस दिन डेप लगाएगा, इस टाइम भी लगाएगा, लेकिन इस टाइम पे पुराने वाले डेप लगा के क्या कर देगा वो सर? हटा देगा। और वैसे भी इसने बोला कि इट वॉज डिसाइडेड, कहीं तो नहीं बोला 1 जनवरी को, कहां बोला 1 जनवरी को? कहीं बोल रहा है क्या 1 जनवरी को डिसाइड किया इसने? 2020 तो 31 दिसंबर को डिसाइड किया, बात ही खत्म कर दिया मैंने, समझ रहे हो बात? क्लियर है ना आपको? अगर बोलता 1 जनवरी तब तो कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन डेप्रिसिएशन साल के एंड में लगता है, तो सर यहां पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना वो डेप्रिसिएशन लगेगा किससे? इस वजह से शायद कुछ बच्चों का आंसर गलत आ सकता है, तो ये लगेगा हमारा 24,000 × 10/100 × 3/12। बताइए फटाफट क्या आया, कितने? 600। ये आ गया सर 23,400, सही से निकाल लो क्या आता है, 4/30 तो नहीं है, 30/4 तो नहीं है भैया, बेचा कब है? 4 महीने का निकालने क्या आता है? 4 महीने का निकालो, शायद डेट एरर हो, 4 महीने का 800,
और 3 महीने का आ रहा है आपका, और 20% तो लगेगा ही नहीं। खैर चलो यही आ रहा है बुक में, क्या आ रहा है छोड़िए आप। माइनस बैंक से सोल्ड, कितने का बेचा लॉस बताइए। लॉस 7,000, तो इसका लॉस ये लेना है आपने। पहला पॉइंट देख लीजिए, जिन बच्चे का डाउट आ रहा था आपका क्या आ रहा था लॉस 6,800। यहाँ पे अब बुक का WD से तो आएगा ही नहीं ना, और बुक का क्या है? हाँ तो नहीं, WDV तो वैसे भी लगना नहीं है। हाँ ऑनर्स में नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं। अगली क्लास से सारे मैं बस निपटा दूंगा, बस अगली क्लास में ना सबका। चलिए इस पे डैप लगाएं सर। 31,12, 31,12 को कितने डैप? 17,000 माइनस करेंगे 1,53,000। 31,12 के बाद ये डेट आ गया 1/1/2019, फिर से लगेगा 31/12/2019 17,000, कितने बचे? 1,36,000 रुपये। अब ये आ गया 1/4/2000, 1/1/2020, अब लगेगा 31/12/2020, अब लगेगा कौन सा मेथड? WDV, तो 26/27/200। अब माइनस कर लीजिए, ये थोड़ा इधर हो गया, इसको इधर कर देते हैं, ये थोड़ा इधर कर देते हैं, ये देख लीजिएगा कितने हो गए, 1,88,000। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ 1,08,000, 8,800। ओके ठीक है। M2 की बात करते हैं सर, 31/12/2018 सर 10,000 है, 10% के हिसाब से 500 बचे, 9,500 इस नहीं 3 महीने लगेगा, 250, 3 महीने लगेंगे 250, और बचे कितने? 97। अब एक 19, 31/12/19 1,000 SLM है 8,750, 1/1/2020 31/12/2020 WDV है 1,750, माइनस करके 7,000 रुपये। M3 31/12/2019 सर ये लगेगा 6 महीने का, 1,000 बचा 19,000, 1/1/2020 और 31/12/2020 को तो डिसाइड हो गया 950, 3800। अब कितने आएंगे? 15,200। तो सर ये आंसर है इसका। कुछ बच्चे लॉस के लिए कह रहे हैं, हो सकता है मे भी कुछ एरर रहा हो बुक के अंदर, तो इसका आंसर ये है। क्या इसकी पोस्टिंग कर पाएंगे आप? कर लेंगे ये क्वेश्चन, बताइए पोस्टिंग हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर कोई मशीनरी बीच में बिक रहा हो तो उस पे चेंज मेथड का इंपैक्ट, क्योंकि मैनेजमेंट ऑलवेज डेप्रिसिएशन चार्ज करता है साल के एंड में। और कोई सवाल डाउट में बताइए। अभी इसमें ना दो मेथड और रह गए हैं, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक आपका रिवाइज वैल्यू, जब एसेट्स का वैल्यू चेंज कर देगा। मैनेजमेंट बोलेगा भैया 2 का खरीदा था ना, आप 1.5 का कर दो इसको,
तो दो मेथड्स रह गए हैं इसमें, अभी बताइए इसमें कोई डाउट, और कोई सवाल जो दिए थे उसमें डाउट बताइए फटाफट। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ आपने करना है पोस्टिंग, सर यहां आपने मेथड चेंज, बिल्कुल मेथड चेंज हो गया है। मैं चेंज मेथड कहां से हुआ बताऊं, ये रहा मेथड चेंज लाल, जो ये रेड कलर से मार्क कर रहा हूं ना आपके लिए, ये मेथड चेंज है। चलिए अब रहा ये, यहां मेथड चेंज नहीं किया क्योंकि 10% ही लगाया है, स्टार्टिंग में हमारा 10% ही लग रहा था 2018 से। कौन से, क्योंकि मैनेजमेंट ने दिसंबर 20 में डिसीजन लिया है और मशीनरी दिसंबर 20 से पहले ही बिक गया है, तो जब मशीनरी बिक चुका है, जब फैसला लेंगे और उससे पहले जो काम हो जाएगा तो पुराने तरीके से फैसला लिया गया होगा ना, और फैसला लेने के बाद अगर वो काम होगा तो वो नए तरीके से होगा, क्योंकि यहां पे डेट एग्जिस्ट नहीं है और लॉ भी यही कहता है कि भैया उसको आप पुराने मेथड से बेच के निकाल दो। गौतम आप कहां की बात कर रहे हैं, मेथड चेंज कर दिया है।
600 डेप्रिसिएशन कैसे आया? भाई आपने टोटल वोटल तो गलत बताया ना, मैं दोबारा कर देता हूँ यार। ये आपका अप्रैल एक कह रहा है, तो अप्रैल को तो छोड़ ही दो, जनवरी फरवरी मार्च, तीन महीने, 24,000 गुणा में 10/100 और तीन महीने का 3/12, तो इस तरीके से ये 600 रुपये आ गया। और कोई क्वेश्चन डाउट में नहीं है तो कल की क्लास की टाइमिंग आप बता दीजिए मुझे, ऑफलाइन वाले जो भी बच्चे हैं। 4 बजे, ठीक है। अभी कल 4 बजे क्लास है शाम को, ठीक है, 4 से 5 ही रहेगा क्योंकि 5 बजे ऑलरेडी मेरी दूसरी क्लास होती है, तो कल 4, हाँ उससे पहले नहीं होगा ना, 4 बजे क्लास है। कल हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करेंगे और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सिर्फ कल कॉन्सेप्ट पे फोकस रहेगा मेरा, ठीक है ना सर। यहाँ तो एसएलएम के अकॉर्डिंग ही लगाया है, 10% तो एसएलएम है, 10 है ये, 10% है, ठीक है। चलिए क्लास को मैं डिस्कनेक्ट करता हूं, उसके अकॉर्डिंगली मैं क्लास ऑर्गेनाइज कर दूंगा कल। अगर एक और ऑप्शन मैं आपसे पूछूं कि कल अगर मॉर्निंग में रखा जाए तो, मॉर्निंग मतलब अर्ली नहीं, 11 बजे के आसपास, 10 बजे आप आ जाओगे? 10 बजे चलो, कल 4 बजे का ही ठीक है, मेरी भी लगातार क्लास हो जाएगी फिर। हाँ भाई सबकी क्लास होंगी, अब रेगुलर क्लास होगी, संडे मंडे, 26 जनवरी, 25 जनवरी कुछ नहीं, सबकी क्लास रेगुलर रहने वाली है।